अस्सलाम वालेकुम। तो आज है फ्राइडे और हम लोग जा रहे हैं बरेली के लिए, और घर से हमने कैब की है आनंद विहार बस अड्डे के लिए। बहुत गर्मी है और बहुत परेशानी होगी वैसे जाने में, तो देखेंगे वॉल्वो से जाएंगे। और ये अमायरा है, अमायरा के पापा हैं। तो हम लोग रात के 10:30 बजे तक शायद हम पहुंच जाएंगे। कल की ईद है और ईद हम लोग अक्सर घर पे ही सेलिब्रेट करते हैं। कभी भी हम लोग आज तक तो वैसे ऐसा हुआ नहीं है कि हम लोग दिल्ली में रहे हों और ईद पे घर नहीं गए हों। तो हमेशा हम लोग ईद घर पे ही सब लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी हम दिल्ली में ही हैं और अमायरा जो है कार्टून लगा के बैठी है, ये जो कैब के अंदर जो टैब लगा हुआ है उसके अंदर कार्टून लगा के बैठी है और कार्टून एंजॉय कर रही है। तो हम लोग पहुंचने ही वाले हैं अभी आनंद विहार बस अड्डे पे, और वहाँ से हम वॉल्वो बस से पे जाएंगे बरेली। तो घर पहुँच गए हैं और ये है मॉर्निंग का व्यू। सुबह सुबह ईद की तैयारियाँ हो रही हैं और ये लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हस्बैंड हैं, पापा नमाज़ अदा कर रहे हैं फजर की, और ये हमारे पापा हैं, ये मेरे हस्बैंड हैं। तो ये लोग जा रहे हैं नमाज के लिए, और उससे पहले है ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं चाय और ब्रेड के साथ। और ये मेरी चाय है। तो ये लोग नमाज के लिए चले गए हैं। हम लोग मैं बना रही हूँ शीर, और अम्मी बनाएंगी उस साइड में कि मामी सिवई का जर्दा, सिवई का ज़रदा बोलते हैं उसे। तो मैं इधर सिवैयाँ भून लूँगी और इस साइड में दूध बॉईल हो रहा है सिवैयों के लिए। तो इसमें मैं सिवैयाँ जो भूनूँगी वो ज़रदे और शीर के लिए, दोनों के लिए बनाऊँगी। तो तब तक ये लोग नमाज़ पढ़ के आएंगे, तब तक हमारे ये दोनों चीज़ें रेडी हो जाएंगी। और उसके बाद जो है मैं बनाऊंगी दही भल्ले और चिकन कोरमा बनाऊंगी, राइस बनाएंगे थोड़े से, और अम्मी ने कबाब बना के रखे हैं। तो ये मेरी सासू माँ हैं, हम लोग दोनों बातें करते हुए किचन में काम कर रहे हैं। तो मैं अम्मी से पूछ के ही यहाँ पे काम करती हूँ, कितनी सिवैयाँ डालनी हैं, कितना दूध लेना है, तो मैं एक बार पूछ लेती हूँ और उसके बाद ही फिर मैं बनाना शुरू करती हूँ, क्योंकि उनको आइडिया रहता है ना कितने लोगों के लिए कितना सारा बनाना है क्या है। तो मैं अभी जो कपड़े पहन के आई थी रात को वही कपड़े पहने हुए हैं, मॉर्निंग का टाइम है और मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ। ये मैं बनाने के बाद नहाने जाऊंगी और उसके बाद नमाज के बाद फिर से मैं बनाऊंगी इसकी चीज़ें। ये देखिए सिवैयाँ भुन गई हैं, इधर कप में ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, ये शीर बन के रेडी है और ये बन रहा है कि मामी सिवई का जर्दा।
ये अम्मी बना रही हैं, इसके लिए ये एक किमाम बना रही हैं, यानी कि शुगर सिरप बना रही हैं। हमारा गुनी ला के रेडी कर दिया है मैंने, और इसको ईदी के लिए 500 का नोट मिला था, 500 रुपये अम्मी ने दिए थे, 500 पापा ने, तो वो सब लेके घूम रही थी। मैंने इसको 10 का नोट पकड़ाया है और वो सारे पैसे लिए हैं इसे। ये किसी आइडिया नहीं है पैसों के बारे में, तो ये फाड़ सकती थी इसलिए मैंने ले लिया इसे। तो ईदी का 10 का नोट लेके घूम रही है, और ये लोग नमाज़ पढ़ के आ गए हैं। और अमायरा बहुत इंजॉय कर रही है यहाँ पे। तो मेरा ये ब्लॉग जो है कल आएगा, ईद के दिन तो नहीं आ पाएगा। तो ये हमारा जर्दा रेडी है, अम्मी ने जर्दा बनाया है कि मामी से वही का। तो ये लोग नमाज़ पढ़ के आ गए हैं, और इन लोगों ने शीर कौरमा खाया है, सेवैयाँ, साथ में हस्बैंड बैठे हैं वो भी खा रहे हैं, और मैं भी थोड़ा सा शीर लेके बैठी हूँ। तो ये जर्दा खा रहे हैं सेवई का। और मैं बना रही हूँ दही भल्ले, नहा कर आ गई हूँ, और मैंने वो ब्लैक वाली कुर्ती ही पहन ली है क्योंकि गर्मी इतनी है, मुझसे वो दूसरा वाला सूट पहनने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था। तो मैंने ये कॉटन की कुर्ती है यही डाल ली है। और वैसे ही आप लोगों ने सबने बोला था मुझे ये ब्लैक वाला पहनना, ईद के दिन तो मैंने ब्लैक ही पहन लिया है। तो मैं फटाफट से दही भल्ले बना रही हूँ, और अम्मी भी आ गई हैं नहा कर, और मेरी ननद भी आने वाली हैं अभी, तो गेस्ट आना शुरू हो गए हैं, तो मेरी सिस्टर इन लोग आने वाली हैं, तो फटाफट से हम लोग खाना बना रहे हैं। तो सोच रहे हैं वो लोग भी साथ में खाएंगे, तो तैयार कर लेते हैं सारा खाना। तो मैं और अम्मी दोनों मिलके बना रहे हैं खाना। तो यहाँ पे जो है ये जो दही भल्ले के लिए बैटर मैंने तैयार किया है, तो ये जो उड़द की वाइट वाली दाल जो होती है भिगोकर उसे पीसना नहीं पड़ता। हाँ, मुझे यहाँ पे दाल जो है पिसी हुई मिली है, पिसी हुई पैकेट में आती है यहाँ पे, और वो दाल को भिगो के और उसके फिर मैंने बड़े बनाए हैं ये। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है ये दही बड़े बनाने का, अगर दाल पिसी हुई मिल जाती है तो आप भी ट्राई करें अपने यहाँ पर दही भल्ले के लिए, अगर दाल पिसी हुई मिल जाएगी तो आपको दही भल्ले बनाना बहुत आसान हो जाएगा। और दही भल्ले भी रेडी हो गए हैं, इधर मैंने चिकन को चढ़ा दिया है बनने के लिए, और इधर कूलर चल रहा है तो हवा से कपड़े इधर उधर हो रहे हैं हमारे। तो यहाँ पे मैं चिकन बना रही हूँ ये, तो मेरा ये ब्लॉग आएगा कल ईद के सेकेंड डे, नेक्स्ट डे। तो आप सबको मेरी तरफ़ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, आप सबको बहुत मुबारक हो ईद। तो यहाँ पे मैं जो भी सामान रेडी हो जा रहा है मैं यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे रख दे रही हूँ, और इधर अम्मी ने आटा गूंद लिया है, और मैं यहाँ पे सैलेड बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे सलाद काट रही हूँ, ऑलमोस्ट हमारा सारा खाना बन गया है।
और मैंने ये ब्लैक वाली कुर्ती पहनी है, इसके साथ मैंने ये रेड कलर के इयर रिंग्स पहने हैं, हल्का सा मेकअप किया है और बालों को मैंने वही जूड़ा बना लिया है। अभी गर्मी में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, इतनी गर्मी हो रही है, फिर भी गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो मैंने थोड़ा सा मेकअप कर लिया है। तो ये मेरा सैलेड कट गया है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, चिकन बनाया है मैंने, तो हमारी ये किचन थोड़ी सी छोटी है, दो लोग इधर उधर हो रहे हैं तो थोड़ा सा टकरा रहे हैं आपस में। तो ये मैंने हांडी में बनाया है चिकन, ये ट्रेडिशनल चिकन कोरमा टाइप से बनाया है मैंने। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो यहीं तक है आज का मेरा ब्लॉग और मैं ये ब्लॉग